तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। इस वीडियो में हम दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो आइए कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये गाइडलाइन दिया गया है, देयर इज़ नो फी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग इन द अप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का कोई चार्जेस नहीं है। आपको 10+2 में पास होना चाहिए। ठीक है, थ्री सब्जेक्ट, तीन जो सब्जेक्ट होगा वो मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स मेजर कैंडिडेट नीडेड हैव स्टडी इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इन हायर सेकेंडरी, बट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स इन मैथ्स और बिजनेस मैथमेटिक्स में होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप करने वाले हो, तो फिलोसफी मेजर कैन बी अप्लाई बाई कैंडिडेट ऑफ एनी स्ट्रीम वाया साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको ये चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। तो आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए। ठीक है, 10th का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी रहे चलेगा। 12th का मार्कशीट रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC है, OBC भी EWS, अगर फिजिकल डिसेबल्ड है उनका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अगर आपको कैटेगरी में अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। फिर वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट कोर्स करना है। मान लीजिए मुझे BCom के लिए अप्लाई करना है, तो ये BCom आप कर लो। कास्ट आपको कौन सा कास्ट है, ठीक है, तो अनरिजर्व आप कर लो। ठीक है, उसके बाद अपना एप्लीकेंट्स नेम डालो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, ठीक है, अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग 10th के, बोर्ड नेम डालो 10+2 का, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, पासिंग ईयर डालो, एडमिट रोल नंबर आप डाल दो, फिर 10+2 का मार्क्स आप डालो। जैसे कि इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, इंग्लिश में 100 है तो कितना आपने ऑब्टेन किया, फिर सब्जेक्ट दूसरा सेलेक्ट करो, टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन मार्क्स, फिर तीसरा सब्जेक्ट। आप ऐसा ही जितने मार्क्स हैं सब्जेक्ट हैं उसी के हिसाब से आप मार्क्स कितना ऑब्टेन किए हैं, कितना टोटल मार्क्स है। ठीक है, फिर सेलेक्ट सब्जेक्ट यू वांट टू अप्लाई, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट डिटेल करना है, तो मैं डिटेल भरता हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चलता हूँ। तो मैंने डिटेल डाल लिया, यहाँ पे आप सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज UG ऑनलाइन एडमिशन, यानी आपने रजिस्ट्रेशन जो किया सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आपको नीचे आना है, गो द एडमिशन पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइडलाइन फॉर एडमिशन होगा, देर इज नो फीस, ये चीज़ें से आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको देखिए एप्लीकेशन नंबर आपको मिल गया होगा जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे ऊपर, तो उसको डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए अपना, फिर इसमें 7-7 ये सोल्व द प्रॉब्लम कीजिए, यहाँ पे लॉग इन कीजिए। ठीक है, तो मैं लॉग इन करता हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो लॉग इन करने के बाद आपका खुल जाएगा, आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल आप फिलअप करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है बंगला शिक्षा स्टूडेंट ID, अगर आपके पास है तो वो कर लीजिए। फादर नेम है वो अपना डालिए, फादर ईमेल, फादर मोबाइल नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, फादर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आप डाल लीजिए यहाँ पे। फिर आपको मदर का नेम डालना है, मदर ईमेल, मदर मोबाइल नंबर, मदर ऑक्यूपेशन, आपको मदर एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर गार्जियन डिटेल डाल लेना है, अगर लोकल में है तो ठीक, नहीं तो अपना फादर वाला ही डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, गार्जियन नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर, गार्जियन ईमेल ID। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपको मोबाइल नंबर ईमेल ID शो करेगा, तो वो मैं सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ। उसके बाद मांगा जाएगा आधार नंबर, वो डाल लीजिए, एनुअल फैमिली इनकम, बैंक नेम डालिए, बैंक एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड। मान लीजिए आपको कहीं रिफ़ंड करवाना होगा तो इस पे कहीं वो लोग रिफ़ंड करते हैं। ठीक है, बैंक MICR कोड। ठीक है, अब एड्रेस अपना डाल लीजिए, हाउस नंबर, एरिया, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, विलेज, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, स्टेट, पिन कोड। ठीक है, अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए परमानेंट। ठीक है, वही चीज़ें आपको मांग रहा है, जेंडर आप सेलेक्ट करो, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस,
ठीक है, मदर टंग, नेशनलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, अदर स्पेशलाइजेशन, फिजिकल चैलेंज है तो वो कर लीजिए। आर यू टी गार्डन रेसिडेंस, वहाँ पे टी, आप टी गार्डन रेसिडेंस हैं तो वो डालिए, नहीं है तो यस कीजिएगा तो यहाँ पे मांगा जाएगा नेम टी गार्डन, नहीं है तो ये कर लीजिए। उसके बाद अपना डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस टू कॉलेज, यानी आपके घर से कॉलेज का कितनी दूरी है, तो गूगल मैप पे सर्च कीजिए कितना किलोमीटर है, फिर यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। तो चलिए ये डिटेल डाला जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। तो मैंने सारा डिटेल डाल लिया है, यहाँ पे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद सब्जेक्ट डिटेल आपको डालना है, यहाँ पे 10+2 स्कूल अटेंडेंट डालना है, उसका नाम, स्ट्रीम अपना डालिए। अब सब्जेक्ट वाइज आप जो डाले थे वो आ गया होगा आपका सारा डिटेल। जैसे मैंने बीकॉम मेजर सेलेक्ट किया था तो ये सारा कॉमर्स माइनर है, कॉमर्स माइनर भी इसी, आपको क्या सेलेक्ट करना है तो अल्टरनेटिव इंग्लिश करना है, फिर ये इंग्लिश का ऑटोमेटिक आ जाएगा। टूरिज्म, ट्रेवल मैनेजमेंट, रूरल स्टडी, डिजिटल मार्केटिंग, ये यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ आप डाल लीजिए, सिग्नेचर अपना डाल लीजिए, 10th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट आप डाल के यहाँ पे सबमिट कर लीजिए, ठीक है। ये सारे चीज़ें अपलोड करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, तो चलिए यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फाइनलाइज आपको कर लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक्सेप्ट करना है फाइनल सबमिट के लिए कि मैंने जो भी डिटेल डाला है सही डाला है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ, ये सही कन्फर्म कन्फर्म कर लीजिएगा तो आपका फाइनल हो जाएगा। नीचे पूरा आपका डिटेल रहेगा और नीचे जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, ऊपर ही है यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो यही है पूरा कैसे फॉर्म फिलअप करना है आपको दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय ऑल ऑफ यू।